ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकी टॉस 3D एप्लीकेशन के बारे में। क्या इस एप्लीकेशन से हम लोग iPhone 11 Pro को जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते हैं, एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, अगर हमको एप्लीकेशन में काम करना है तो कैसे करेंगे, ये सारे डाउट आपके इस छोटी सी वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम अर्निंग से रिलेटेड वीडियो रेगुलर डालते रहते हैं, जिससे आप लोग घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लकी टॉस 3D एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन मिनी जॉय ग्रुप की तरफ से बन के आता है। जब हम एप्लीकेशन पे वीडियो बना रहे हैं तो 100 के से ज़्यादा डाउनलोड एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हो चुके हैं, साथ ही साथ 4.0 की अच्छी खासी एप्लीकेशन को रेटिंग भी मिली हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मिनी जॉय ग्रुप की तरफ से जो ज़्यादातर एप्लीकेशन आती हैं वो फेक होती हैं अक्सर। तो चलिए अभी हम एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं, इस लकी टॉस 3D को भी। तो हमने एप्लीकेशन को अभी ओपन कर दिया है। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को एप्लीकेशन में मिलेगा। ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप लोग कुछ खिलौने रखे हैं, नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं एक रिंग है, जिसमें जो है निश्चित संख्या में रिंग होते हैं और खिलौने भी निश्चित संख्या में होती हैं। आप लोगों को क्या करना होता है, इस रिंग को पीछे की तरफ खींचना होता है, उसके बाद इस रिंग को आपको इस तरह से फेंकना है निशाना लगा के, कि ये जाके बिल्कुल खिलौनों के बीच में गिरे। इससे क्या होता है, आपको पॉइंट मिलता है और आप लोग अलग अलग लेवल में इसी तरह से आगे जाते रहते हो। अभी देखिए मैं 8वें लेवल पे हूँ और जो मेरी अर्निंग है यहाँ पे कॉइन्स की वो है 2472 कॉइन। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इस गेम को खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गेम में हमें जीतना क्या है, कैसे हमको यहाँ पे और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को डेली रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाता है। डेली के डेली आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके लिए रिवॉर्ड मिलता रहेगा। नीचे की तरफ देख सकते हैं एक स्किप का बटन दिया गया है, यानी अगर कोई लेवल आपको कठिन लगता है तो आप लोग यहाँ पे एक वीडियो ऐड देख करके लेवल को स्किप कर सकते हैं, अगले लेवल में जा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिंग लार्ज साइज करने के लिए, रिंग की साइज को और बड़ा करने के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पे एक ऐड देखना पड़ेगा। उसके बदले में आपको जो रिंग की साइज है वो बड़ी मिल जाएगी। बड़ी रिंग की साइज रहेगी तो वो खिलौने में आसान तरीके से चली जाएगी और आपकी जो है अर्निंग यहाँ पे सिंपली हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लकी स्पिन दिया गया है। लकी स्पिन के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो लकी स्पिन जो है बेसिकली यहाँ पे भी आपको ऐड ही देखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को स्पिन करने के लिए ऐड देखना होगा। उसके बाद जिस पे भी आकर ये सुई रुकती है लकी स्पिन वाला, वहाँ पे आप लोगों को एक लकी पजल मिल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे आईफोन पैड है, आईफोन का वॉच है, एप्पल का एयरपॉड्स है, उसके बाद टीवी भी है मैकबुक का, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईफोन 11 प्रो भी दिया गया है। तो इस जिस पे भी आता है ये आपका पजल वो रुक जाएगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पजल। और आप लोगों को इसी तरह से ढेर सारे पजल इकट्ठे करने होते हैं। आप लोगों को पता होता है कि पजल जो है बस एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो पूरी पजल जब आप लोग इकट्ठा कर लेंगे तो आप लोग वहाँ पे आईफोन के लिए अप्लाई कर सकते हो गेम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है प्राइज सेंटर भी दिया गया है यहाँ पे, तो प्राइज सेंटर को भी मैं आपको खोल के दिखा दूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्राइजेस हैं जो लकी स्पिन में थी, लगभग वही सारे प्राइजेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती हैं। आईफोन 11 प्रो, आईफोन पैड, एप्पल का वॉच है, मैकबुक है, एयरपॉड है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ जो अर्निंग करना है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए आपको बबल्स मिल जाते हैं पजल्स के, यानी जैसे ही मैं इस बबल पे किसी भी बबल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे आईफोन का एयरबड लेना है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे भी एक ऐड देखना पड़ेगा। उसके बाद ये बबल फूटेगा और मुझे यहाँ पे उसके लिए एक फिर से पजल मिल जाएगा। सीधे यहाँ पे कोई इनाम आपको मिल नहीं रहा है डायरेक्टली, फिर से आपको यहाँ पे पजल ही मिल रहा है। ठीक, तो पजल आपको इकट्ठे करने हैं बेसिकली यहाँ पे, और आपको वीडियो ऐड देखना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इस एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके लिए हमको यहाँ पे वीडियो ज़रूर दिखाने के लिए कह रही है। यानी अगर हम स्किप करते हैं तो वीडियो देखना है, रिंग को लार्ज करते हैं तो वीडियो देखना है, लकी स्पिन करते हैं तो भी वीडियो देखना पड़ता है, प्राइस सेंटर में भी जाते हैं तो भी वीडियो देखना पड़ता है। यानी कुल मिला जुला कि ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऐड दिखाएगी और उस ऐड के बदले खुद की अर्निंग करेगी। ऐसे कितने ही वाहियात एप्लीकेशन के रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर रखे हैं, जो सिर्फ आपको ऐड दिखाना चाहती हैं, आप लोग ऐड देखते हो उनकी अर्निंग होती है और कुछ भी आपको वो प्राइस में नहीं देते हैं। यानी आप लोग अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो और तब ये वीडियो देख रहे हो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये ख्याल छोड़ दीजिए, ये एप्लीकेशन फेक है। हम लोग आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन लाने वाले हैं इस चैनल पर, जिससे आप लोग काम करके अर्निंग कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन पे आपको काम नहीं करना है। हम लोग मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से अर्निंग वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी
कर दीजिएगा, सारा कच्चा चिट्ठा हम आगे भी खोलते रहेंगे जो फेक एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।